अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारा सब कुछ, जो भी तुम जानते हो, एक झूठ हो सकता है, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ यूजलेस और मीनिंगलेस है, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह बस एक सिमुलेशन है, हमारी दुनिया असली नहीं है, हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो तुमने मूवीज में देखी है, जैसे द मैट्रिक्स। इस थ्योरी को कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी, और ये बोलती है कि जो दुनिया हम देखते हैं शायद वो एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो। तो सिमुलेशन थ्योरी क्या है? ये वो आइडिया है कि हो सकता है कि हमारी रियलिटी एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो, जैसे एक वर्चुअल वीडियो गेम। मतलब जो भी हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, शायद वो सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया हो। इसका मतलब ये है, हम जहाँ इस वक्त है, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, वह सब सिमुलेशन है। जैसे किसी वीडियो गेम को हम खेलते हैं, वह हमें बिल्कुल असली लगता है, उसमें जो एनवायरनमेंट होता है, पेड़ होते हैं, वो सब असली लगते हैं, जिसे प्रोग्रामर डिजाइन करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी दुनिया को भी किसी प्रोग्रामर ने डिजाइन किया हो और हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हो सकता है इसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें। आज के जमाने में देखो, हम वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसी चीजें बनाते हैं। अगर हम इसी स्पीड से प्रोग्रेस करते रहे तो फ्यूचर में हम इतने पावरफुल कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो एक पूरी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक दुनिया जिसमें हर एक चीज डिटेल में हो। जैसे आपने कभी न कभी GTA San Andreas गेम तो खेला ही होगा, या फिर GTA 5। ये गेम बेस्ट एग्जांपल है एक सिमुलेशन का, जिसमें पुलिस होती है। जब आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। लोग होते हैं जिसे आप मारते हैं तो वह हर्ट होते हैं। निक बॉस्ट्रम का आर्ग्यूमेंट है कि पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर सिविलाइजेशंस ने ऐसे कई सिमुलेशंस बनाए होंगे तो चांसेस यही हैं कि हम उनमें से एक सिमुलेशन में हैं, न कि रियल रियलिटी में। ये सिर्फ फिलोसोफर्स की बात नहीं है, इलोन मस्क जैसे लोग भी मानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस एक सिमुलेशन हो सकता है। इलोन मस्क ने कहा था कि 40 साल पहले हमारे पास सिंपल वीडियो गेम्स थे और आज हमारे पास इमर्सिव VR एक्सपीरियंसेस हैं। तो सोचो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज कुछ ऐसे बिहेव करती हैं जिससे लगता है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर कोड की तरह बिहेव करती है, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें पार्टिकल्स तब तक अपनी पोजीशन रिवील नहीं करते जब तक उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए। ऐसा लगता है जैसे एक वीडियो गेम, जिसमें चीजें तभी रेंडर होती हैं जब आप उन्हें देख रहे हो। साइंटिस्ट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें वो यूनिवर्स के ग्लिचेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज के अंदर ऐसे पैटर्न्स ढूंढना जो शायद किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के बग्स जैसे दिखते हों। लेकिन इस थ्योरी के अगेंस्ट भी काफी लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसी सोच जिससे हम अपनी रियलिटी पे क्वेश्चंस रेज करते हैं। इस थ्योरी के लिए कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है अब तक। हाँ, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल है। इस थ्योरी ने मीडिया और मूवीज को काफी इन्फ्लुएंस किया है। जैसे द मैट्रिक्स मूवी ने हमारे दिमाग में एक सीड डाल दिया कि शायद हम जिस दुनिया को देखते हैं वो असली नहीं है। इस मूवी के बाद सिमुलेशन थ्योरी पे डिस्कशन और डिबेट्स बढ़ गई थी। ये थ्योरी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठाती है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हमारी फ्री विल असली है? क्या हमारे एक्शंस का कोई मतलब है या सब कुछ पहले से ही कोडेड है? मतलब कि हम जो भी करते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी डिसीजन लेते हैं, वह सब पहले से ही प्रीप्लान्ड हो, पहले से ही कोड लिखा गया हो। यह ऐसा भी हो सकता है कि कोड इस तरह से डाला गया हो कि हम अपने डिसीजन खुद से ले सके। आज हमने बात की सिमुलेशन थ्योरी के बारे में, कैसे ये आइडिया आया, इसके साइड में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्यों कुछ लोग इस पे शक करते हैं। खैर, ये सब थ्योरीज और आइडियाज हैं, लेकिन सोचो अगर हम सिमुलेशन में भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी फीलिंग्स सब असली लगती है। अगर ये सारी फीलिंग असली है या हमें असली लगती है तो ये फीलिंग्स हमारी है ना। इस पर तो सिर्फ हमारा हक है, चाहे वह दुख हो या सुख, हम यह सभी तरह की भावनाओं को फील करते हैं, इसे जीते हैं, यही हमारी जिंदगी है। तो एंड में सवाल ये नहीं है कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस रियलिटी को कैसे जीते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।